विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़ेगी विश्व की चेतना। विश्व शांति प्रार्थना करेंगे। सभी आंखें बंद करें। हे परम चेतना, सभी तालमेल में आ जाएं, सभी ईश्वरीय सत्ता के तालमेल में अपने तोलू मन पर विजय प्राप्त करें। तोलू मन पर विजय पाप पुण्य पर विजय है, लाभ हानि पर विजय है, दुख सुख पर विजय है, सम्मान अपमान पर विजय है। सभी सहज मन के साथ जो सशक्ति मन है, जिसकी शक्ति विश्व के सभी मनों से जुड़कर दिव्य योजना के कार्य कर सकती है, डिवाइनली डिजाइन जो प्रोग्राम है हर मनुष्य में काम करे, जैसे हर जीव में काम कर रहा है। हर जानवर हर पौधा अपने डिवाइन प्रोग्रामिंग के अनुसार खुल रहा है, खिल रहा है। मनुष्य भी इसी के साथ तालमेल में आ जाए, प्रेम आनंद मौन में खुले खिले और सभी को प्रेम आनंद बांटे। सभी अपनी शक्तियों को पहचाने, जब इंसान अपनी शक्तियों को जान जाता है तब दूसरों से छीनने का कार्य नहीं करता, दूसरों से ईर्ष्या करके खुद को दुख नहीं पहुंचाता, ईर्ष्या द्वेष घृणा से बीमारियों को आकर्षित नहीं करता। हे परमात्मा, हर मनुष्य से नफरत द्वेष घृणा डर समाप्त हो जाए, ताकि सारी बीमारियां समाप्त हो जाए। सभी सहज मन के साथ आहार ग्रहण करें, भोजन खाएं, जिससे सभी स्वस्थ रहें। तोलू मन के अनुसार खाया गया अन्न बीमार करता है। स्वाद में अस्वाद में अटका तोलू मन
स्वास्थ्य से दूर जाता है। सभी की दिशा युक्त बुद्धि, विवेक, चेतना पूरी समझ के साथ काम करे ताकि तोलू मन पर जीत आसानी से मिल पाए। ऐसा संसार जहां तोलू मन का रोल समाप्त हुआ है, उच्चतम विकसित समाज है। सभी सहज सशक्ति मन के साथ एक दूसरे को मदद करें, क्योंकि ऊर्जा भरपूर है, एनर्जी की कमी नहीं है। सभी को मदद करने के बाद भी आपकी ऊर्जा बरकरार है। आप सभी के लिए प्रार्थना करें। जो भी मनुष्य स्वस्थ हुआ है वह प्रार्थना करे, औरों के लिए प्रार्थना करे, सभी को अपने तप का बल प्रदान करे, सभी को आपके स्वास्थ्य का लाभ मिले, सभी को आपके तप का लाभ मिले। सभी के लिए की गई प्रार्थना आपका स्वास्थ्य बढ़ाती है, सहज मन की शक्ति बढ़ाती है, तोलू मन का रोल समाप्त करती है। इसलिए दिल से प्रार्थना करें, अपने शब्दों में प्रार्थना करें। विश्व के सारे लोगों पर शुभ्र प्रकाश इस तरह फैल जाए कि तोलू मन समाप्त हो जाए, कल्लू मन पिघल जाए, रहे केवल सहज मन, दिशायुक्त बुद्धि, शुद्ध इंद्रियां, निर्मल मन, स्वस्थ शरीर। प्रार्थना चलती रहे। अंत में अपने तप का बल, जो बल अर्जित किया है आपने ध्यान से, प्रार्थना से, समझ से, वह अर्जित बल सबको लाभ दे। इस शुद्ध भाव से तपर्पण करें। जो बैठे रहना चाहते हैं वे बैठे रहें। प्यारे खोजियों, देख सकता हूं मैं कुछ भी होते हुए, नहीं मैं नहीं देख सकता तुझे रोते हुए। यह पंक्ति आप कब कहने वाले हो?
देख सकता हूँ मैं कुछ भी होते हुए, नहीं मैं नहीं देख सकता तुझे रोते हुए। यह पंक्ति आप कब कहने वाले हो और किसे कहने वाले हो, क्यों कहने वाले हो? हमेशा लगता है ये किसी और को कहना है, मगर ये पंक्ति आपको खुद को कहनी है, वाकई दिल से कहनी है। क्यों कहनी है? क्योंकि आपको स्टैंड लेना है, आपको अपने लिए खड़े रहना है। अगर ये शरीर रो रहा है तो इसका इलाज कहीं है। जब कोई अपने रिश्तेदार को कहता है मैं तुम्हें नहीं देख सकता रोते हुए, यानी तुम्हारे दुख का जो भी कारण है मैं वो जाके सॉल्व करता हूँ, उस इंसान से जाकर मिलता हूँ, उस वस्तु को लेकर आता हूँ, वो वस्तु चाहे सात समुंदर पार हो मैं अरेंज करता हूँ, मैं पूरी कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देखना चाहता। तो ये प्रेम में इंसान करता है। जब आप ये पंक्ति खुद को कहोगे इसका अर्थ है आपको स्वयं से प्रेम है। जब आप ये दिल से कह पाओगे उसका अर्थ ही है आप स्वयं को प्रेम करते हो। और जब आप स्वयं को प्रेम करते हो तो हीलिंग शुरू होती है, स्वास्थ्य शुरू होता है। जब इंसान स्वयं को प्रेम करना छोड़ देता है तब सब बीमारियां शुरू होती है। इंसान प्रेम करना तो छोड़ता है, दूसरी तरफ निंदा करना शुरू करता है। तुम अच्छे नहीं दिखते हो, तुम्हारी हाइट अच्छी नहीं है, तुम्हारे साथ ऐसा प्रॉब्लम है, निंदा करते रहते हैं, निंदा, आत्मनिंदा, और दूसरी तरफ प्यार नहीं करते। और दोनों के कॉम्बिनेशन से जो तैयार होता है जिसे रोग कहा जाता है, तंदुरुस्ती से दूर, स्वास्थ्य से दूर, शरीर और मन की अवस्था। समझ रहे हैं कि हमें स्वयं से प्रेम करना है, स्वयं के लिए स्टैंड लेना है कि मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता, यानी इन आंसुओं के पीछे जो भी अज्ञान है वो दूर करने के लिए हमें कितना भी दूर जाना पड़े, पहाड़ों पर जाना पड़े तो भी मैं जाऊंगा, तुम्हारे लिए मैं जाऊंगा और व्यवस्था करूंगा और कारण ढूंढ निकालूंगा कि वाकई ये दुख भुगतने की आवश्यकता है या अज्ञान की वजह से, बेहोशी की वजह से हम दुख भुगत रहे हैं। हमें अगर कोई जानकारी नहीं है खान पान की तो हमें वो प्राप्त करनी है। स्वयं के साथ प्रेम है इसलिए आप वह जानकारी पाने के लिए पूरी कोशिश करते हैं, और जब आपको अपने शरीर के अनुसार क्या खाने चाहिए क्या नहीं खाने चाहिए, वात कफ पित्त कैसे बैलेंस करना चाहिए, ये आपको अपने शरीर के अनुसार पता चल जाता है तो फिर आप उस पर चलना चाहते हो, ये स्वयं से प्रेम है। वरना लोगों ने इस बात को नहीं समझा है तो वे स्वयं से प्रेम यानी स्वयं को, इंद्रियों को जो चीज़ें स्वादिष्ट लगती हैं वो खिलानी है उसको वो प्रेम मान लेते हैं, ये प्रेम नहीं है। प्रेम है इस शरीर को बीमारियों की वजह से रोना पड़ता है तो बहुत हो गया, अब इसके लिए स्टैंड लेना है, खोज करनी है और स्वास्थ्य का मार्ग ढूंढ निकालना है और हमेशा स्वस्थ रहने की साधना कर लेनी है। और इसमें बीच बीच में कुछ बीमारियों के पिंपल आएंगे मगर आपकी साधना बहुत आसानी से आपको उससे निकाल देगी, क्योंकि आप सदा स्वस्थ ही हो। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स।